और मेरे प्यारे बच्चों को आज की इस शुभ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं बच्चों। यह हिंदी दिवस हम क्यों मना रहे हैं? क्योंकि आज ही के दिन 14 सितंबर सन 1949 के दिन भारत के संविधान में इस भाषा को राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में अमल में लाया गया था। आज ही के दिन इसीलिए प्रतिवर्ष इसी दिन 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। फिर इस भाषा को ही हिंदी के रूप में या राष्ट्रभाषा के रूप में क्यों स्वीकारा गया? क्योंकि हिंदी यह एक सरल भाषा है और सबको समझ में आने वाली भाषा है, और साथ ही साथ हिंदी भाषा बहुत अधिक लोग जानते हैं, अधिक संख्या में लोग जानने के कारण इस भाषा को राष्ट्रभाषा हिंदी के रूप में स्वीकारा गया। और स्वतंत्रता संग्राम के समय गांधी जी ने विप्लव के लिए, क्रांति के लिए, अपने देश में विप्लव करने के लिए जगह जगह पर वे किस प्रकार से विप्लव करना चाहते हैं और देशभक्ति की भावना जगाने के लिए देशवासियों को एक भाषा की आवश्यकता पड़ी उन्हें। अलग अलग प्रांत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, फिर उनके उन तक यह जो गांधी जी का जो संदेश है वह कैसे पहुंचे? गांधी जी के पास यह एक बड़ी समस्या थी, लेकिन उन्हें एक विचार आया कि हिंदी यह तो एक बहुत सरल भाषा है और सबको समझ में आने वाली भाषा है और अधिक से अधिक लोग इसे जानते भी हैं, क्यों ना मैं इस हिंदी का प्रचार और प्रसार करूं और अपनी जो बात है, अपने जो विप्लव कार्यक्रम है, देश के कोने कोने तक पहुंचाऊं। तो गांधी जी ने ऐसा ही किया और गांधी जी ने इस भाषा को, हिंदी भाषा को देशभक्ति के रूप में प्रचार और प्रसार किया, और हिंदी भाषा के द्वारा ही उनके जो भी विप्लव कार्यक्रम थे देश के कोने कोने तक, उनके जो संदेश है, कब वह किस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं, दांडी यात्रा कैसे कर रहे हैं, ये सारे के सारे जो भी संदेश है वो हिंदी भाषा में ही उन्होंने सब लोगों को भाषण के रूप में उन्हें बताया। सो बच्चों, यह हिंदी देशभक्ति की भी भाषा हुई, और इसी प्रकार से हिंदी जो है वह हमारे भारत देश में ही नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध भाषा है। इसका सबूत क्या है कि 10 जनवरी को हिंदी विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस, क्योंकि प्रपंच में यह भाषा प्रसिद्ध है। हिंदी इज ए नेशनल लैंग्वेज, सो ऑल ऑफ यू नो दैट इफ वी कम्युनिकेट इन हिंदी सो वी कैन रोम थ्रूआउट इंडिया, ओके ना? सो हिंदी इज ए लिंकिंग लैंग्वेज अमंग द पीपल ऑफ इंडियंस, अमंग द पीपल ऑफ इंडिया, ओके ना? सो that's why government of India and all the state governments gave importance Hindi as a second language or third language in different states. So in a tri-language principle, along with our local language Telugu, so we also learn Hindi along with English, okay na? So that is called Tribhasha Sutram. So Hindi script also easy to write and is also easy to learn, okay na? So on this day, so it's our duty as the citizens of India to know the importance of Hindi and also to implement it in our day-to-day life. मेरा नाम दीपिका है, मैं सातवीं कक्षा में पढ़ती हूँ। हिंदी दिवस पर हिंदी सीखो, हिंदी बोलो, हिंदी को अपनाओ। Importance of Hindi दिवस, thank you once again. So next year, I welcome Prajwalita, Netra and Monica to tell about the Hindi poets, poets of Hindi literature. Come on, guys. Prajwalita, Netra and Monica. मैं प्रज्वलिता दसवीं कक्षा की छात्र हूँ। साहित्यकार मैथिली शयन गुप्त के परिचय प्रस्तुत है। मैथिली शयन गुप्त देशभक्त की कवि थे। इनकी रचनाओं में देश प्रेम दिखाई देता है। ये हमारी देश देश के बारे में और हिंदी के बारे में और विप्लव लेने के लिए बहुत कर दिया था। इसके लिए भारत सरकार ने इसका पद्मभूषण अवार्ड भी दिया था। और ये फूल का छाह में इनकी प्रसिद्ध कविता है। ये हिंदी साहित्य के अनमोलित रत्न है। धन्यवाद।
मैं नेत्रा आठवीं कक्षा की छात्रा, सबको हिंदी दिवस शुभकामनाएं। हमारी प्रसिद्ध कवियत्री मीराबाई के बारे में दो वाक्य। मीराबाई श्री कृष्ण का उपासिका थी। दसवीं कक्षा की छात्र, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचंद के बारे में दो वाक्य। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद का नाम सबसे पहले आता है। इन्हें उपन्यास साम्राज्य कहा जाता है। उनका प्रसिद्ध कहानियां आज भी विश्व प्रसिद्ध है। उन्होंने एक दर्जन उपन्यास लिखा और लगभग 300 कहानियां की रचना थी। उनका जन्म सन 1880 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1936 में हुआ। उन्होंने मजदूरों और किसानों के लिए अधिक रचना किया। वे एक समाज सुधारक भी है। धन्यवाद। मेरे नाम वैष्णवी है। मैं चारवीं कक्षा पढ़ती हूँ। आज मैं हिंदी दिवस के कविता बोल रही हूँ। सबसे प्यारी हिंदी है। हमारी हमको तब भाषा है प्यारी हिंदी में है। कविता बताना चाहूंगी। हिंदी भाषा सबसे न्यारी, हिंदी भाषा सबसे प्यारी। आजाद हुई थी इसके बल पर, शान मिली थी इसके बल पर, अपना हो तो इसके अपमान। हिंदी से यह हिंदी बना है, हिंदी से यह हिंदुस्तान। आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। भाषा मेरे मन की, भाषा तेरे भी मन की, हिंदी है अपनी बोली। सुनो साथी संगी हम झोली, कानों में मिश्री घोले, जब भी कोई हिंदी बोले। है भाषा ये भारत की, भारत के जन जन की। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं।
विश्व के